राकेश जी उधर ही। राकेश जी कैसे हो आप? राकेश जी कैसे हो आप? यार पोस्टर पे यार। पांच मिलियन राखी जी, लेफ्ट या राखी जी लेफ्ट दिस कैमरा या 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 राइट साइड राखी यहां सेंटर फोटो पे राइट साइड राखी जी सेंटर भाई तू मानते हो अभी डन राखी जी यहां दिस कैमरा या या राखी जी आप डन डन राखी जी यहां पे हम सोलो 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 या 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 राखी जी लेफ्ट में राखी जी लेफ्ट में यस 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 राखी जी दिस कैमरा राखी जी सेंटर राखी जी ऊपर लाइट वाला पिछले राखी जी ऊपर लाइट वाला राखी जी इधर लेफ्ट में मेन कैमरा यही है राखी जी मेन कैमरा यही है राखी जी लेफ्ट में राखी जी राखी जी ऊपर लाइट वाला राखी जी चले अंदर चलो चलो सलमान भाई का सलमान भाई सोलो 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 वो तो भी होने लेफ्ट या 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 लेफ्ट 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 में लेफ्ट में या नाइस लोग वो तो भी राइट से ले वन फोटो विद द फैंस आल्सो आई वांट माय प्रोड्यूसर ब्रदर प्लीज कम कम चलो पीछे 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 ऑल ऑफ यू लेफ्ट साइड ए पांडे पीछे में सेंटर अंडर दिस साइड या लुलू पर जा अभी आ जाओ आइए 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 आ जाओ चलो 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 थोड़ा सा प्लीज लेट अस जस्ट एक मिनट चलो यार आप लोग अंदर चलिए 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 आगे यार आगे चलो यार संभाल के देखो चलो 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 अरे चलो यार यार चलो 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 हम जानते हैं ये सॉन्ग शूट करना कितना मुश्किल हुआ होगा राखी मैम के लिए सो वी कैन अंडरस्टैंड मैम और आपका फेस और आपके इमोशंस इस सॉन्ग के जरिए बाहर आए हैं जो हमारी ऑडियंस तक बखूबी पहुंच पाए हैं और इसका पूरा क्रेडिट जाता है हमारे डायरेक्टर सर को कोरियोग्राफर एंड डायरेक्टर मुदस्सर खान जी को कई बार जोरदार तालियां हो जाए मुदस्सर सर के लिए तो सबसे पहले मैं आपको शुक्रगुजार चाहूंगी मेरे साथ तो सर आपके आने से पहले क्योंकि हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते थे झूठा को देखने का तो हमने दो बार सॉन्ग ऑलरेडी चला लिया और देख लिया आपके लिए दोबारा चला देंगे तो सबसे पहले क्योंकि मैम इमोशनल हो गई थोड़ा सा तो हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कितना मुश्किल था या आसान था इस तरह का सॉन्ग डायरेक्ट करना क्योंकि हाई ऑन इमोशन से जैसे हमने देखा सभी के आंखों में आंसू आ गए तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका प्लीज शेयर करिए हमारे मीडिया अरे बोलोगे आप सभी लोगों का आप लोगों ने मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जितने भी एक तरह के वॉरियर मैं कह सकता हूँ ये जितने भी मीडिया वाले खड़े हैं यहाँ पर ये लोगों ने ही सभी की आवाज़ को आगे लेके गए हैं तो स्टार्ट से ये लोग साथ में ही थे तो जो जो चीज़ें हम देख रहे थे हमको पसंद आया ये गाना तो हम करना चाहते हैं तो मैं राखी जी के पास आया और बात करने की कोशिश की मगर शी वॉज सो इमोशनल एंड शी वॉज ऑलवेज इन आप देख ही रही थी कि वो हर रोज रो ही रही थी तो मैंने उनको बोला कि राखी जी हम गाना करेंगे बहुत अच्छी दर्द भरी सारी चीज़ें हम सारी असलियत और सारी चीज़ें जो भी आपने कही हैं सब कुछ करेंगे लेकिन आपका मेरा ये साथ देना होगा कि आप जब तक शूटिंग है आपको कंट्रोल करिएगा अपने इमोशन को क्योंकि एज अ परफॉर्मर आपको देना होगा एंड दैट्स व्हाट सुबह सुबह मैं शूटिंग पे आया और मैंने उनको बोला राखी जी मैंने कोई कोई सीनारियोज ऐसे आर्ट वाइज डिज़ाइन किए हैं जो वो एग्जैक्टली आपके पास्ट को वापस दिखाएंगे तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा संभालना है ऐसा नहीं कि हर सीन में आप बहुत ज़्यादा रोने लग जाएं बिकॉज आपका परफॉर्मेंस भी इम्पोर्टेंट है तो आपको थोड़ा सा अपने आप को संभालना होगा
और राखी जी ने बोला नहीं मैं संभालूंगी। और जब भी वो हॉस्पिटल वाला सीन हमने देखा जाएंगे तो वो हॉस्पिटल में नहीं किया है, हमने वो सेट के अंदर ही किया है। हॉस्पिटल बनाकर सारे सीन्स हमने सेट के अंदर ही किए हैं, ऐसे उसको डिजाइन करके आर्ट से। तो राखी जी जब भी आती थी और देखती थी कि ये हॉस्पिटल वाला सीन है और एक माँ के रूप में कोई दूसरी आर्टिस्ट को हमने लिटाया था, तो वो उनको देखकर और वो सारा देखकर कैसे इमोशनल हो। मैं वहाँ पे उनको बोलता था कि आप प्लीज थोड़ा सा अपने आप को संभालिए, बिकॉज ये परफॉर्मेंस भी है, एक आर्ट भी है, ये एक तरह का काम भी है ये। तो उसी तरीके से उन्होंने बहुत ही हिम्मत ली और आज वो छूट गई, आज नहीं रोक पाई अपने आप को। और मैं बस यही कहता हूँ कि मेरे दिल से दुआएं उनके लिए और उनकी पूरी लाइफ में हर चीज जो आंसू है वो खुशी बनकर निकले। बस ये दुआ। थैंक यू सो मच सर। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके लिए डायरेक्टर कौन सा सीन बहुत ज्यादा मुश्किल रहा, क्योंकि मैम की थोड़ी सी पर्सनल लाइफ भी यहां पे हमने दिखाई है, तो आपके आपके आंखों में आंसू कब आए, कौन सा सीन शूट करते वक्त आए? यार अभी मैं क्या बोलूं, माँ के सामने दुनिया की कौन सी चीज है जो ये हो सकती है। मुझे लगता है वो हॉस्पिटल का सीन जो था जहाँ हम शूट कर रहे थे सेकंड डे, वहाँ पे मैंने उनको बोला कि आपको थोड़ा सा ये दिखाना है कि मम्मी अभी सीरियस हैं, और फिर थोड़ी देर के बाद वो चली जाती है, तो वो धीरे धीरे आपको उसको बढ़ाना है। और मुझे बोलने के लिए भी शर्म आ रही थी कि पहले आपको हल्का सा परेशान होना है कि मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और फिर धीरे धीरे उसके बाद जैसे ही वो ज़्यादा सफ़र करने लग जाती हैं तो आपको और ज़्यादा एक्सप्रेशन ये देना है कि अरे क्या हो रहा है क्या हो रहा है, एंड देन शी फाइनली लीव्स, वो चली जाती है, गुजर जाती है। तो ये मुझे बोलने को भी थोड़ा सा अजीब लग रहा था, क्योंकि वो लम्हा उनके साथ हो चुका है थोड़े दिन पहले। तो वहाँ पर मैं थोड़ा सा हिम्मत करके अपने प्रोफेशन को रख रहा था और वो कोशिश कर रहा था। वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, मैं मेरी टीम को भी बोल रहा था यार ये सीन में ये आएंगी और ये रोएंगी, मैं यही बोल रहा था। बट उन्होंने संभाला और बहुत संभाला और मुश्किल से, जितना मुझे लगता है कि अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग शी इज़ एन अमेजिंग परफॉर्मर, ये मैं बोलने में मेरा मेरी दो राय नहीं, बिकॉज इतने सालों से शी इज़ परफॉर्मिंग एंड शी हैज़ गिवन अस सच ब्यूटीफुल नंबर्स एंड सो ब्यूटीफुल सॉन्ग्स एंड एंटरटेन ऑल ऑफ अस। तो आई थिंक एक बहुत ही बोलते ना पुराना चावल बोलते ना, शी इज अमेजिंग आर्टिस्ट ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम ग्रेट ह्यूमन, एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। तो जो भी चीज हमने उनको बोली कि राखी जी इसमें मुझे ऐसा चाहिए, इसमें मुझे ऐसा चाहिए थोड़ा आगे, इसमें मुझे ऐसा चाहिए, आप उसको जब देखेंगी आपके जो बॉयफ्रेंड बना है गाने में तो उसको थोड़ा इस तरह से देखेंगे, अब वो बॉयफ्रेंड नहीं रहा, वो निकाह कर रहा है, वो हस्बैंड बन गया, तो अब ऐसा देखना है आपको उसको। तो वो उन्होंने बाकायदा एकदम मेरे से बोलने से बेटर उन्होंने परफॉर्म किया है। तो आई थिंक शी इज एन अमेजिंग आर्टिस्ट एंड आई रिस्पेक्ट हर एज एन आर्टिस्ट, मैं हमेशा उनकी इज्जत करता रहूँगा। और थैंक यू सो मच बंसल जी जिन्होंने ये खूबसूरत गाना दिया, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं आसिफ और अल्तमश, दोनों ने बहुत ही अच्छा उसको निभाया है। और इतना खूबसूरत गाना होता है तो उसको खूबसूरत तरीके से शूट भी कर सकते हैं, हम बना भी सकते हैं। हमारे सिनेमाटोग्राफर्स जो हैं मनोज जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो मुझे लगता है पूरी टीम की वजह से ये अच्छा गाना हुआ है। एंड इट्स नॉट जस्ट अ सॉन्ग, इट लुक्स लाइक अ फिल्म सॉन्ग, फिल्म मूवी सीन और समथिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मुदस्सिर सर के लिए। तो सर आपने सॉन्ग नहीं देखा है तो मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार सॉन्ग नहीं बंद और चलेगा और मैं 3 बजे तक हम स्टूडियो में ही थे, इसका डीआई कर रहे थे, वो स्टार्ट का जो सीक्वेंस है वो भी हम यहाँ वहाँ से इंस्टा से निकाल के कुछ थोड़ा ट्राई कर रहे थे नया आइटम। तो हम 3 बजे तक थे, तो हमने मतलब मैं आप बता दूं कि मैंने म्यूजिक डायरेक्टर से भी ज़्यादा बार सुन चुका हूँ ये गाना और देख चुका हूँ, और पूरा कलर से लेके शूटिंग से लेके प्लानिंग से लेके पेन पेपर से लेके कल रात को 3 बजे तक मैं सुनता ही रहा हूँ इसको 15 दिन से, और मैं हमेशा सुनता रहा हूँ। बट मैं भी चाहता हूँ बाकी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको और भी ज्यादा चीजों की जरूरत है, बात करने की जरूरत है आपको। थैंक यू। अरे क्या है लाइट है, तो मैम अभी अगर आप बात कर सकते हो तो प्लीज आप स्टेज पे आना चाहेंगे? जी बिल्कुल, प्रोजेक्टर हटा दो, टेबल हटवा दो, टेबल। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी इस सॉन्ग के लीड एक्टर को सलमान शेख के लिए स्टेज पे आ जाए हमारे साथ, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए राखी सावंत एंड सलमान शेख का। भाई 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 बोला हूं थे ऑलराइट स्वागत किया जाए।
क्रिएटिव प्रोड्यूसर ऑफ द सॉन्ग झूठा शेख साजिद अली के लिए जोरदार तालियां। म्यूजिक डायरेक्टर आसिफ फरीदी अगर है हमारे साथ तो प्लीज ज्वाइन करिए हमें स्टेज पे। द वेरी नोन सिंगर अल्तमश फरीदी जिनकी ये ब्यूटीफुल आवाज हम सुन रहे हैं, वो आई गेस हमारे बीच नहीं है, वो कोई शो के लिए आउट ऑफ द टाउन है, तो उनकी आवाज की वजह से आज हम यहाँ पे हैं, जो इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग हमें देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं द डायरेक्टर ऑफ द सॉन्ग झूठा मुदस्सर खान सर को स्टेज पे। सो ऑलराइट, आई गेस हमारी पूरी टीम स्टेज पे आ चुकी है। एबी ग्रुप के डायरेक्टर सार्थक बंसल आई गेस प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, तो उनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए, बिकॉज आई गेस वीडियो वहां जाएगा तो उनको जरूर मालूम होना चाहिए कि उनका नाम जरूर मेंशन हुआ है। ठीक है, ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं राखी जी से पूछना चाहूंगी कि आपका एक्सपीरियंस झूठा में कैसा रहा है, सच सच बताना है। ये तो मेरी जिंदगी है, जो रियल लाइफ है, जो हुआ है मेरे साथ, उसका सिर्फ 1% दिखाया गया है सॉन्ग में। अगर 8 महीने या 1 साल की जर्नी देखे थी, वेरी पेनफुल, जो मैंने जो मुझ पर गुजरी है उसे शब्दों में नहीं बता सकती मैं। इतने सालों से मैं बॉलीवुड में हूँ, बचपन से अभी तक जितना दर्द दुख मैंने मुझे नहीं मिला, हालांकि इतना बॉलीवुड में स्ट्रगल करने के बाद भी उतना दर्द नहीं मिला जितना ये 1 साल में मुझे मिल गया। झूठा बिल्कुल टाइटल जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि जो शख्स मेरी जिंदगी में आया, जिन्होंने सलमान ने जो उसका उनका किरदार प्ले किया, उन्होंने उनकी जो झूठ की बुनियाद से पूरा शुरू हुआ। जब इंसान को प्यार होता है तो पता बिल्कुल नहीं चलता कि इनके मन में क्या चल रहा है, क्या ये सचमुच प्यार है इनका या ये प्लानिंग है, प्लॉटिंग है, मास्टरमाइंड है, पता ही नहीं चलता। लेकिन मैम हम सब आपके साथ हैं और नहीं। मैं पर्सनली ये कहना चाहूंगी कि वो इंसान आपका एक भी आंसू डिजर्व नहीं करता, वो डिजर्व नहीं करता कि आप उसके लिए रोए बिल्कुल भी। सो बिकॉज यू आर अ वेरी वेरी स्ट्रांग लेडी, लव्ड बाय ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ दिस कंट्री, आप इस देश की सबसे बेस्ट एंटरटेनर हो, और आप बिल्कुल डिजर्व नहीं करती कि आप ऐसे इंसान के लिए रो या उनका नाम भी यहाँ लिया जाए, क्योंकि उनका नाम अगर लिया जाएगा तो उनको पब्लिसिटी मिलेगी। थैंक यू सो मच, जो हम देना नहीं चाहते। मुदस्सर भाई जो हमारे कोरियोग्राफर हैं, उनका बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा भाई, आपने जो मेरी आप बीती जो जिंदगी है, जो आपने अभी इस वीडियो में दिखाई है, झूठ से मेरी जिंदगी शुरू हुई, इस झूठ में कितने लोग पिस गए, अपनी मेरी खुद की जिंदगी, मेरी माँ, मेरी फैमिली, मेरी लाइफ। थैंक यू सो मच कि आपने इतना इस शो में, इस सॉन्ग में इतना आपने मेरा रियलिटी दिखाया। एबी बंसल ग्रुप के हमारे जो भाई हैं, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं तब गई थी दुनिया को बताते बताते, लोग कहते हैं राखी सावंत को कौन धोखा दे सकता, राखी सावंत के साथ क्या बुरा हो सकता, कि मैं इंसान नहीं हूं क्या, मैं फीमेल नहीं हूं क्या, मेरे सिने में दिल नहीं है क्या, मैं घर बसाने के सपने नहीं देख सकती क्या, मैं जीने की उम्मीद नहीं रख सकती क्या। ये पांडे हट के चले, पांडे हट पहले मत। गाइस मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज ये कुछ रिकॉर्ड ना किया जाए। ओके सॉरी, आई एम सो सॉरी मैम, आप ठीक हो? आई एम नॉट डेली कॉल, आर यू फीलिंग ओके नाउ? या आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी।
सॉरी बोलने की बात नहीं है मैम, सारे अपने ही लोग हैं, अपनी मीडिया है, मीडिया आपको बहुत चाहती है, आपके हर अच्छे बुरे वक्त में मीडिया आपके साथ है, हम सब आपके साथ है, तो प्लीज सॉरी की कोई बात नहीं है, सॉरी आप मत बोलिए, प्लीज बी स्ट्रॉन्ग टुडे बिकॉज आज आपका बहुत स्पेशल दिन है, बहुत स्पेशल गाना आपका आया है, तो मैं चाहती हूँ कि एक बहुत बड़ी स्माइल के साथ आप यहाँ पे इस सॉन्ग का वेलकम करें, तो आगे बढ़ते हैं सलमान सर के पास, ऑलराइट, सो गाइस सलमान शेख के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिनका किरदार आपने निभाया है उनके बारे में, तो खैर हम उनका नाम नहीं लेंगे यहाँ पे, बात नहीं करेंगे, बट स्पेशली ये कैरेक्टर प्ले करते वक्त आपको कैसा लगा, क्या आपकी तैयारी रही, क्या आपने मीडिया को उनके इंटरव्यूज और उनकी लाइफ देख के तैयारी की है, या किस तरह की तैयारी हुई आपके सॉन्ग के लिए, प्लीज बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप सबका। तो इस गाने के बारे में मैं सबसे पहली बात तो ये है कि खुशी की बात है मुझे कि आई थिंक राखी ने ना बहुत कमाल कमाल का काम किया है आज तक, और मैंने काफ़ी वक्त से देखता हुआ आ रहा हूँ, उन्होंने बहुत ही कमाल के गाने दिए हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो गाना है वो उनकी लाइफ के सबसे करीब गाना है, और उस उतने इम्पोर्टेंट गाने का हिस्सा मैं बन रहा हूँ, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और जिस तरह से मैंने अभी तक देखा सारा सिनेरियो कि क्या क्या चल रहा है, मुझे पहले के बारे में मुझे उतना ज़्यादा पर्सनली नहीं पता है, लेकिन जितना मैं सेट पे रहा हूँ राखी को देखा है, और आई मीन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारी वैनिटी जो थी वो एकदम आसपास में थी, और मुझे काफ़ी आवाज़ें इनकी आ रही थी, तो हर सीन से पहले शी वॉज ऑलमोस्ट क्राइंग अकेले। काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि जब कैमरा ऑन होता है राखी तब ऐसा करते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये चीज़ को मैंने देखा है, महसूस किया है कि हर सीन से पहले राखी वॉज क्राइंग, लेकिन जैसे ही मुदस्सर भाई का कॉल आता था कि हमारा सीन लग चुका है, राखी को बुलाइए, सलमान को बुलाइए, सडनली यार 2 मिनट में अपने आप को चेंज करती थी, क्योंकि शी इज़ वेरी प्रोफेशनल, इनको काम करना बहुत ईमानदारी से काम करना आता है, जो कि हर किसी में नहीं होती है यार, ठीक है, इस तरह की जो हिम्मत है, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर कोई चीज़ बन रही है, और उस पर्सनल लाइफ का कैरेक्टर भी आप खुद जी रहे हो, और उसको आपको एक्ट भी करना है, प्लस अगर आप कमांड लेते हो, एक्सेप्ट करते हो, और उसके हिसाब से अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल भी हो जाता है, आप इमोशनली भी मेंटली कहीं पे फंसे हुए हो, उसके साथ साथ में आप पूरी टेक्निक्स को ध्यान में रखते हुए सारे कमांड्स को सुनते हो अगर आप काम कर रहे हो, तो मुझे सबसे पहले राखी के लिए हैट्स ऑफ कि उसने बहुत अच्छे से काम किया, प्लीज एक बार जोरदार गाइस एक बार जोरदार तालियां हो जाए राखी मैम के लिए। और मुझे ना सच बताऊं तो मुझे काम करने में बहुत ही